तो हेलो दोस्तों, आज आपको मिलने जा रहा है ये पत्ता गोभी और आलू की मिक्स सब्जी। आप देख सकते हैं आज आप इस तरीके से सब्जी अगर बनाएंगे पत्ता आलू गोभी की, तो आपको देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और खाने में तो इसका स्वाद इतना जबरदस्त है कि आप जो है उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आपको हम आज ये सब्जी बना के सिखाते हैं, तो मिलते हैं इस सब्जी की तैयारी पे और आपको दिखाते हैं ये बनती कैसे और किस तरीके से इसका तरीका बना। तो हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है नए व्लॉग में। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी आलू की सब्जी। तो आई होप मेरी YouTube की फैमिली बढ़ रही है, तो आप और इसी तरीके से बढ़ाते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो जो है उसको पूरा देखें, जिससे हमें और बूस्ट मिलेगा। तो आप लोगों से यही है कि हाँ, आप क्या कहते हैं, इसी तरीके से हमारे साथ बन रहे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी आलू की सब्जी। तो उसके लिए मैंने पत्ता गोभी को रफली काट लिया है, आपको कोई बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही मोटे मोटे काट लिया है। और यहाँ पर ले लिया है मैंने बस एक आलू है, बड़ा आलू, और एक बड़ा प्याज है, और ये धनिया की डंठल है जो उसको हम तड़के के टाइम पे डाल देंगे। तो और एक छोटा ये टमाटर है, बड़ी मुश्किल से ये मिला है क्योंकि पैसे नहीं है लेने के लिए। और ये धनिया जो है ये गार्निश के लिए है। तो इसको अभी हम क्या कहते हैं तड़के के लिए तैयार करने जा रहे हैं। तो तड़का हमारा जो तैयार होगा वो जीरे का तड़का लगेगा, तो हम आपको दिखाते हैं अभी। तो पैन हमने चढ़ा लिया है, कर लेते हैं गैस को ऑन और हमारी कढ़ाई हो जाने देते हैं गरम। तो दोस्तों, अभी हम लोग इस चैनल पे नए हैं, जब तक कढ़ाई गरम हो रही है मैंने कहा कि कुछ बातें कर लेते हैं। तो हमें इस तरीके से क्या कहते हैं, आप ट्रीट करें कि आपकी फैमिली के मेंबर हैं, तो हमें सपोर्ट करें और हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो जो है उसको पूरा देखें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप क्या कहते हैं वीडियो में जो भी कमी होगी उसको बताएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ नया नया बनाते रहें, क्योंकि हमारे भी उस तरीके से वो नहीं है हालात कि हम हर चीज़ बना के आपको दिखा सकें। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये पैन हो चुका है गरम, तो डालते हैं दोस्तों इसमें एक और ये बस दो टेबलस्पून ऑयल, बस ज़्यादा नहीं डालना है। ऑयल जैसे हमारा क्या कहते हैं गरम होगा, हम उसमें लगा देंगे हमारे जीरे का तड़का, थोड़ा सा जीरा, ये देखिए बस। तो जीरा जो है हमारा आवाज आने लग गई है, ये देखिए तड़कने लग गया है। इसमें हम टमाटर मटर कुछ पहले नहीं डालेंगे, सब कुछ बाद में डलेगा, प्याज भी बाद में डलेगा। आज ये दूसरे तरीके से आपको हम बना के दिखाएंगे, खाली तड़के के लिए जीरे का इस्तेमाल होगा। इस तरीके से आप अगर इसको बनाएंगे खाएंगे तो आप देखना कितना अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमारे आलू हैं, उन आलूओं को हम डाल देंगे इसके अंदर ये। और इसको हम लेंगे चला, हल्का से ये चला दिया हमने, इसे आलू इसी में थोड़े तरीके से हो जाए हल्का। इसी के साथ डालेंगे हम अपनी पत्ता गोभी, तो जो हमारी पत्ता गोभी की है वो हम इसमें डाल देंगे। आपको मैं दिखा ही चुका हूँ कि कितनी है, वो आधा किलो से थोड़ा सा कम है, तो हम अपनी पत्ता गोभी इसमें मिला देते हैं। ये देखिए ये हमारी पत्ता गोभी, ये आ चुकी है, बस खत्म हो गई हमारी पत्ता गोभी। तो इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया है, बस एक बार हम इसको हल्का से चलाएंगे जिससे ये मिक्स हो जाए। आपने इस तरीके से अगर बनाया हो तो हमें कमेंट में बताएं कि हाँ आपने इस तरीके से बना रखी है। तो ये आलू पत्ता गोभी की सब्जी इस टाइम पे खाने के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप लोग इस तरीके से बनाएंगे खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब इसके बाद हम इसमें हल्का सा मिला देंगे नमक हमारा, जो जितना ज़रूरत है आप अपने स्वाद के अनुसार मिलाइएगा। हम इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून नमक,
बस, और इसको चला देते हैं जिससे ये मिक्स हो जाए नमक अच्छी तरीके से इसके अंदर। ये देखिए कुछ नहीं करना है, आप इस तरीके से बनाएं दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। और इस टाइम पे गर्मी इतनी हो रही है कि हाँ जितना वेज खाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में वेजिटेरियन ही रहना ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आप अपना प्यार इसी तरीके से हमारे साथ बना के रखें, हम कोशिश करेंगे कि हाँ नहीं नहीं आपको डिश बना के दिखाएं। अब इस वक्त जो है इसी में हम क्या कहते हैं मिला देंगे हमारे टमाटर, और हमारे प्याज और धनिया की डंठल, आप देख लें ये हमने मिला दिया, ठीक है। इसको कर देंगे मिक्स। अभी आँच हमारी तेज ही है, फ्लेम जो है इसी तरीके से तेज रख रहा है, और इसमें हल्के हल्के मसाले पड़ेंगे, वो जिस वक्त पड़ेंगे मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए ये हो गया दोस्तों, हमारी पत्ता गोभी प्याज टमाटर ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मिक्स हो चुके हैं, नमक भी हमारा डल चुका है इसमें। अब इसको कर देंगे स्लो टू मीडियम आंच पे, और उसके बाद में हम मिलते हैं आपसे स्लो टू मीडियम करने के ढक के बाद। तो दोस्तों ये हम 10 मिनट हो गए हैं, हमने एक बार चलाया था इसको 10 मिनट के बाद में, आप देखेंगे आप कि इसका ये देखिए कितना बढ़िया इसको गल गया है सब कुछ, और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है मैं आपको क्या बताऊं, इतना बढ़िया। अब इस स्टेज पे जो है आप लोगों को डालना है इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये हो गया। उसके साथ आँच हमारी एकदम स्लो ही रहेगी, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रहेगा क्योंकि अभी हम मसाले डाल रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें हम डालते हैं 1 टीस्पून छोटी भर के कश्मीरी लाल मिर्च, ये हो गया। हल्दी पाउडर ये हमारा हो गया 1/4 टेबल स्पून, धनिया पाउडर हो गया हमारा 1 टेबल स्पून भर के, और हमारा गरम मसाला हो गया 1/4 टीस्पून, ये भी हमने इसमें मिला दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट, और थोड़ी सी डाल देंगे हम इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का स्वाद मुझे अच्छा लगता है, आपको लगे तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसका स्वाद, आप भी डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, वैसे थोड़ा सा डालें लेकिन उससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसको कर देंगे मिक्स, और थोड़ी देर इसको हम मिक्स करके भून लेंगे। मिलाने तक हम इसको रखेंगे थोड़ा स्लो आंच पे, ये देखिए आंच को हम करेंगे हल्का सा तेज, और इसको हम 1 मिनट तक इस तरीके से हम भून लेंगे जिससे हमारे मसाले जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। हमें पानी डालना नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी, इसको एकदम सूखा हमें बनाना है इसी तरीके से। और हमारे आलू आप देख सकते होंगे कि ये आलू अभी से ही गल के एकदम हलवा हो गए हैं, तो आप जान सकते हैं कि हाँ ये सब्जी कितना वक्त लगता है, ज़रा सा टाइम लगता है आपका, 15 से 20 मिनट लगते हैं आपको, और ये एकदम फटाफट जो है ये बन जाती है। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें,
और अपने दोस्तों को भी हमारा चैनल प्रमोट करने के लिए बोलें कि थोड़ा हमारी हेल्प करें, जिससे हम इस चैनल पर बने रहें और आप लोगों को नई नई डिशें बना के दिखाते रहें। तो आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और सारे जो दोस्त हैं मेरे, वो लोग भी मुझे सपोर्ट करें, जो नहीं है वो भी सपोर्ट करें, क्या कमी है उसके बारे में बताएं। तो ये दोस्तों देखिए मिल चुका है। अब ये जो है 5 मिनट के लिए हम इसको खाली बंद करेंगे, स्लो आंच कर देंगे एकदम, उसके बाद में बस ये फाइनल है और गार्निशिंग के टाइम पे हम आपको दिखाते हैं बस फाइनल। तो दोस्तों ये देखिए 5 मिनट हो गया है और ये हमारा हो गया है कंप्लीट। सब्जी जो है हमारी पत्ता गोभी आलू की सब्जी इतनी बढ़िया बन गई है, इतनी अच्छी बन गई है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। सारे आलू वो तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सब गल चुके हैं। ये अब खाली मिक्स करके मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि आप देखें और बताएं कि किस तरीके से ये सब्जी लग रही है। ये सब्जी बहुत ही प्यारी बनी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे खूब सारा धनिया कटा हुआ गार्निशिंग के लिए। ये देखिए ये हो गया है मिक्स हमारा धनिया पाउडर, ये हो गई है हमारी डिश कंप्लीट। तो हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको डिश आउट के बाद में। तो दोस्तों ये देखिए हमारी फाइनल डिश जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और खाएंगे आप, एक बार अगर खाएंगे तो बार बार खाएंगे। इस तरीके से पत्ता आलू गोभी की मिक्स सब्जी आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कितना अच्छा इसका स्वाद होता है। तो दोस्तों आप इसके लिए जो है हमारे चैनल पे आपको आना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर भी करेंगे आप जब आपको पसंद आएगा। तो हमारे चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें दुआओं में याद रखिए और हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। मेरे दोस्तों आप हमें इस तरीके से सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं हम नए ब्लॉग में नई सब्जी और नए खाने के साथ में, नए कोई भी नया स्वाद होगा उसके साथ हमारे।